हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, यूपी से अगर आप 2024 में बीटीसी डीएलएड कोर्स करने वाले हैं तो यहां पर दोस्तों डीएलएड का एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और दोस्तों आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है ना 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होने चाहिए, 2023 में क्या कट ऑफ गया था गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज का, ये आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है। और कुछ स्टूडेंट दोस्तों ऐसे होंगे जिन्होंने ओनली क्लास 12th ही पास किया है, वो कहते हैं कि सर हम डीएलएड करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो देखो गाइस, हरियाणा में 2023 का जो एडमिशन है ना वो अब स्टार्ट होने वाला है 2024 में। तो आप लोग फरवरी में फॉर्म आएगा तो आप लोग डीएलएड कर सकते हो हरियाणा से, अदर स्टेट्स को भी अलाउ किया जाता है वहां पर। आप दोस्तों दिल्ली से कर सकते हो, यहां पर क्लास 12th के बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है इस कोर्स में एडमिशन के लिए, ठीक ना। देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें दोस्तों तो यूपी में डीएलएड का जो एडमिशन है ना ये आपका जो है जून में स्टार्ट हुआ था, 2 जून से मई में नोटिफिकेशन आया था। तो आप यही लगा लीजिए कि यूपी में डीएलएड का जो एडमिशन है ये आपका मई जून में स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं कितने परसेंट होने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। देखो गाइस, पिछले साल जो कट ऑफ गया था ना गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज का, जनरल का 235 गया था। पिछले साल 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे और 3 लाख स्टूडेंट का फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ था। लगभग 2,20,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं और 10,600 गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज में सीटें हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में भी फुल हो गया था सीट, जनरल का 235 गया था। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया था गाइस ये 230 गया था। तो आप ये लगा लीजिए कि 2024 में कट ऑफ भी सेम ही रहने वाला है, कम से कम 3 से 5% का फर्क आएगा। अगर आपके 230 है तो आप मान लीजिए 2024 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आप जनरल से हो तो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो कम से कम आपके 225 होने चाहिए, 220 से अबव है तो चांसेस है 95%, ठीक ना। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो कम से कम आपके 215-210 होने चाहिए, एसटी के कम से कम 205 या 200 होने चाहिए, ठीक है ना। और हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ था 190 के आसपास, ठीक ना। सीटें कैटेगरी वाइज रिजर्व होता है और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती थे इनका 185 के आसपास गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है ये 82,000 रुपये, इससे 1 रुपये ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिक्स कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अदर स्टेट्स में ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा की बात करें वहाँ पर 70,000 रुपये है टोटल 2 ईयर की, और दिल्ली में 75,000 रुपये यहाँ पर फिक्स है। बिहार की बात करें तो बिहार में 1,20,000 है, कहीं पर 1,30,000-40,000 तक है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है 21,000 रुपये है टोटल 2 ईयर की, और हरियाणा में लगभग 16,000 रुपये है और दिल्ली में भी 16,000 रुपये है, ठीक ना। सो थैंक यू, कुछ भी डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा।